हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो सारे सारे? आई होप सही बढ़िया होंगे। तो फाइनली जैसे कि तुम लोग जानते हो कि गेंशन में एक नया एंड गेम इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है इमेजिनेरियम थिएटर। तो लाइव स्ट्रीम पे इस इवेंट को कंप्लीट करने के बाद बहुत लोगों के कमेंट मैंने पढ़े हैं। बहुत लोग इस इवेंट से ना खुश हैं, बहुत लोगों को डिसअपॉइंटमेंट मिली है और बहुत लोग नाराज भी है क्योंकि वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे। तो इस वीडियो में मैं कुछ चीजें बताने वाला हूं जिस वजह से आपको पता चले कि कम्युनिटी में इतना हेट क्यों मिल रहा है इस गेम को, प्लस मेरे ऑडियंस का क्या रिस्पॉन्स था, और इस इवेंट को करने के लिए कुछ टिप्स देने वाला हूं जिसको जानना बहुत जरूरी है। तो बिना किसी तरीके लेट्स जंप इनटू इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लेंट्स बहुत सारी हैं, मगर पांच मेजर कंप्लेंट्स हैं जिसको मैं वन बाय वन कवर करूंगा और बताऊंगा कि व्हाई पीपल हेट दिस इवेंट सो मच राइट नाउ। पहली दिक्कत वो ये है करेक्टर्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल इस इवेंट में बहुत सारे करेक्टर्स की रिक्वायरमेंट है और एक पर्टिकुलर एलिमेंट की रिक्वायरमेंट है जो कि है तीन, इलेक्ट्रो, पायरो और राइट नाउ एनमो। तो इस वजह से बहुत लोगों के अकाउंट्स में करेक्टर नहीं है, तो बिगनर्स तो लीग से बाहर हो गए, वो तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते, उनको इजी मोड या नॉर्मल मोड करना पड़ेगा, जिस वजह से वो बहुत लोग गुस्सा है। उसके बाद आते हैं एंड गेम प्लेयर्स जिन्होंने काफी इन्वेस्ट कर रखा है अपने पर्टिकुलर करेक्टर पे, जैसे कि C3 राइडन शोगन या फिर C2 नहीदा, उनके पास वैरायटी नहीं है तो इस वजह से वो बहुत गुस्से में है क्योंकि वो अपने फेवरेट करेक्टर यूज नहीं कर पा रहे। उसके बाद आते हैं वो लोग जिनके पास करेक्टर्स है मगर वो बिल्ड नहीं है, लेवल 70 तक नहीं है, इसलिए वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इस वजह से बहुत सारे लोग किसी ना किसी रीजन से नफरत कर रहे हैं इस इवेंट को। मैं बस ये बोलना चाहूंगा कि हाँ, कहीं ना कहीं ये गलत है, होवर्स ने एकदम से बम फोड़ दिया, मगर एक्चुअली में उन लोगों ने पहले से ही अनाउंस कर दिया था इस इवेंट में कि ज्यादा करेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, तुम्हें पहले से ही प्रिपेयर होना चाहिए था। तो ये चीज तुम वक्त के साथ साथ इंप्रूव कर सकते हो, इसमें गेम और इवेंट की कोई गलती नहीं है। बात करता हूं मैं उन लोगों की जो लोग बेल थे, जो लोग अपने पर्टिकुलर करेक्टर पे ही इन्वेस्ट करते थे, तो उनका काफी ज्यादा नुकसान हुआ। वो लोग डेफिनेटली बहुत ज्यादा गुस्से में है क्योंकि वो अपने करेक्टर्स इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, बट टेक्निकली एक तरीके से बिजनेस जो है वो स्टेप लिया है होवर्स ने। वो चाहते कि आप मल्टीपल करेक्टर्स पुल करो और मल्टीपल करेक्टर्स बिल्ड करो जिससे आपका जो गेम टाइम है वो और बढ़ जाएगा, तो उनको टेक्निकली उनका फायदा होगा, आप सर्वर में ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे। उसके बाद बात करते हैं बिगनर्स की। तो बिगनर्स के लिए तो ये इवेंट है ही नहीं, बिगनर्स तो बेचारे सारे रिवॉर्ड ले ही नहीं सकते, तो ये वो नॉर्मल कर सकते हैं या इजी मोड कर सकते हैं और रिवॉर्ड लेवल 6 तक प्रीमोजेम्स निकाल सकते हैं। एक और चीज मैंने नोटिस करी है, ये मैं बता देता हूं आपको, ये 100% कंफर्म नहीं है, बट आपको रिवॉर्ड सिर्फ और सिर्फ एक्ट कंप्लीट करने से मिल रहे हैं। तो अगर इनकेस अगर आपके पास स्टार चैलेंज टेलर्स नहीं है, ये अगर आपके पास नहीं है, तब भी अगर आपने एक्ट 8 कंप्लीट कर लिया, 6 कंप्लीट कर लिया मीडियम डिफिकल्टी पे, तब भी आपको प्रीमोजेम्स मिल जाने चाहिए। तो ये आप खुद चेक कर लेना, जैसे कि मेरे पास एक की कमी थी, मैं एक नहीं कर पाया, फिर भी मेरे को सारे रिवॉर्ड मिल गए हैं। जैसे कि तुम देख सकते हो सारे के सारे मैंने रिवॉर्ड्स ले लिए, क्लेम कर लिए, अगर मेरे पास एक स्टार नहीं मिला। तो शायद स्टार की इतनी वैल्यू नहीं है, बस आपको कंप्लीट करना है, भले आप टाइम पे कर पाओ या ना कर पाओ, कंप्लीट करना है। मैंने इसमें ट्राई किया, टाइम पे कंप्लीट नहीं करने पे आपके ऊपर एक थंडर शॉक वेव लगती है जिस वजह से आपका हेल्थ जारी होती है, बस और कुछ नहीं। बट अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आप आगे वाले स्टेज पे पहुंच जाते हो। तो ये चीज शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगी, मैंने बता दिया, अगर पता है तो अच्छी बात है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो दूसरा पॉइंट ये है कि बहुत लोग कह रहे हैं कि ये इवेंट ही बहुत ही बेकार है, इस इवेंट में बहुत ज्यादा इजी दे रखा है। मैं बिल्कुल इस चीज से एग्री करता हूं, यस इवेंट इजी दे रखा है, बट ये शायद इसलिए दे रखा है बिकॉज अभी गेम ने नया चीज इंट्रोड्यूस किया है। तो एंड गेम प्लेयर्स और मैं जो हूं उनको ये जो इवेंट है इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लग रहा, बट मेरे ख्याल से ये ठीक है, एक तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया है तो उस हिसाब से डिफिकल्टी लेवल सही दे रखी है। फ्यूचर में और डिफिकल्ट हो सकता है, अगर नहीं होता तो डेफिनेटली डिसअपॉइंटमेंट वाला है ये एंड गेम, इसमें बिल्कुल भी कुछ खास नहीं है, बट मुझे लगता है फ्यूचर में जरूर करेंगे डिफिकल्ट और करेंगे इसे। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की जिससे सबसे ज्यादा लोग नाराज है, और वो है प्रीमोजेम्स की क्वांटिटी। लोग कह रहे हैं कि इसमें कम प्रीमोजेम्स मिल रहे हैं, एक्चुअली मुझे लगता है कि हम उस स्टेज पे आ चुके हैं जितने प्रीमोजेम्स दो हमारे लिए कमी है, तो ये कंप्लेंट तो कभी खत्म ही नहीं हो सकती कि भाई प्रीमोजेम्स इस इवेंट में कम है, ये है वो है, ठीक है। मगर डेब्यू परफॉर्मेंस जब भी आप कंप्लीट करोगे, जब भी, आज नहीं तो कल, तब आपको मिलेंगे, और डेब्यू परफॉर्मेंस के लिए जो गिफ्ट दिया है प्रीमोजेम्स वो काफी सही दिया है, इतना बुरा नहीं है। चौथी प्रॉब्लम जो है कम्युनिटी के अंदर वो है टीम्स। इस इवेंट में पर्टिकुलर एलिमेंट दे रखा है जिस वजह से कोई स्पेसिफिक टीम नहीं मिलती और आपको रैंडम करेक्टर्स मिलते हैं, या फिर आप उनको पार्टी में बुलाते हैं और आपको रैंडम टीम रन करनी पड़ती है जो भी आपकी बन रही है उस वक्त, जो भी आपके पास प्रेजेंट होता है। तो इस वजह से भी बहुत लोगों को दिक्कत हो रही है। तो ये चीज तो मैं बता देता हूँ, ये चीज ऑल अबाउट आपकी नॉलेज है, अगर आप टीम बना पाते हो कि नहीं, और अगर आप हर एक करेक्टर के साथ आपको खेलना आता है कि नहीं आता, तो बस ये वो चीज है जो कि आपको चैलेंज देती है, इस टास्क को थोड़ा सा और डिफिकल्ट बनाती है। ये चीज आप प्रैक्टिस करोगे तो और इंप्रूव हो सकती है, इसमें कंप्लेन करने वाली बात नहीं है। मैं जानता हूं कभी का लक साथ नहीं देता, अच्छा बफ कार्ड नहीं मिलता और आपको कोई करेक्टर चाहिए होता है वो आपके पार्टी मेंबर में नहीं ज्वाइन कर पाता, बट यहाँ पे दो कार्ड आते हैं जैसे कि आप देख सकते हो, कंपेनियन रैंडम, इसमें रैंडम मिलता है, इसमें मिलता है सेलेक्ट, आप सेलेक्ट कर सकते हो, दो ऑप्शन देते हैं, तो ये आप देख सकते हो। जैसे कि इसमें लिखा है दो इलेक्ट्रो करेक्टर्स में से आप एक को चूज कर सकते हो,
और इसमें लिखे आपको रैंडम मिलेगा, कोई भी रैंडम करेक्टर आपको ज्वाइन कर सकता है। तो इस तरीके से कार्ड्स मिलते हैं आपको जो कि आपको देखने पड़ेंगे, और ये बफ वाले कार्ड है जिसमें आपको बफ मिलता है। तो ये चीज कंप्लेंट वाली बात नहीं है, मैं जानता हूं इसमें उंगा बुंगा टीम रन करनी पड़ती है, कुछ बनाना पड़ता है, आपके पास नॉलेज की जरूरत होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि यार टीम कहां पे जरूरत होगी आपकी, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि स्टेज 8 है और आपको बॉसेस के सामने कौन सी टीम रन करनी है और एक्स्ट्रा बोनस के लिए आपको कौन सा चैलेंज करना है। मगर ये जो स्टार चैलेंज है, मैं पहले बता देता हूं, अगर आप 90 सेकंड्स में डिफीट नहीं कर पाते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, शायद ये कंफर्म नहीं है क्योंकि मेरे को नहीं मिला एक स्टार, फिर भी मेरे को रिवॉर्ड्स मिले हैं, तो ये देख लेना। 90 सेकंड्स के बाद होता क्या मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, आपके ऊपर थंडर बोल्ट करने लग जाती है जिस वजह से आपको डैमेज पड़ रहा होता है। पांचवे पॉइंट्स की बात करते हैं जिस वजह से लोग काफी अनसेटिस्फाइड है, और वो ये है कि इसमें किसी भी करेक्टर को दो बारी से ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो भाइयों देखो ये रूल है, तो विगोर सिस्टम बोलते हैं, इसमें ऐसा ही होता है कि आप एक करेक्टर को दो बारी से ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते, एक तरीके से उसकी उसका स्टैमिना होता है, ठीक है। तो इसमें ये चीज इसलिए डाली गई है ताकि इवेंट और डिफिकल्ट हो आपके लिए, तो थोड़ा सा ज्यादा चैलेंजिंग करने के लिए ये फिगर सिस्टम डाला गया है। ओवरऑल मैं बोलूं तो ये इवेंट काफी ठीक है, अभी इजी दे रखा है, अगर फ्यूचर में डिफिकल्ट होता है एंड गेम प्लेयर्स के लिए तो बहुत अच्छी बात है। रही बात बिगनर्स की, तो उनके लिए कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि उनके लिए बिल्कुल डिसएडवांटेज है, मगर कहीं ना कहीं बिगनर्स स्पाइरल अबिस भी नहीं कर पाते, वो भी 4 तक या 6 तक कर पाते हैं स्टार्टिंग में, मैंने खुद किया था, तो ये चीज तो फेस करनी पड़ती है ना बिगनर्स को ताकि वो और जल्दी ग्राइंड कर सके, तो वो तो मेजर सोर्स है उनका इनकम का, होयोवर्स का, जो बिगनर्स से आता है। बाकी जो मिड गेम प्लेयर्स हैं मोस्टली उनके पास करेक्टर्स की कमी हो सकती है, तो अब वो बिल्ड करना शुरू करेंगे तो उनके भी रिसोर्सेज लगेंगे, तो वो भी ज्यादा टाइम देंगे गेम के अंदर। तो एक तरीके से पूरा का पूरा बिजनेस स्ट्रेटेजी जो कि होयोवर्स ने किया है, तो ये चीज पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार इवेंट्स में उसने ऐसा किया है, मगर अब ये एंड गेम बना दिया है तो अब आपको फोकस करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये चीज अच्छी भी है बहुत लोगों के लिए, बुरी भी है बहुत लोगों के लिए, सबका अपना अपना ओपिनियन है। मेरा क्या ओपिनियन है राइट नाउ, मैं बस यही बता सकता हूं कि राइट नाउ मेरे को ये एवरेज लगता है, एवरेज है मेरे लिए, अगर फ्यूचर में इसको इंप्रूव किया जाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज ये एंड गेम से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं। और तुम्हारा क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, लव यू एंड पीस, और नए हो चैनल पर तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।